नमस्कार दोस्तों, बीआर हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आप जितना फलों का सेवन कर सकते हैं उतना सेवन करें। अपने पूरे दिन के आहार में 50% हिस्सा कच्चा खाना खाएं। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं करते तो आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। और जितना फास्ट फूड, चाय या बिस्किट जैसी चीजों से परहेज रख सकते हैं उतना इनका परहेज करें। अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो लेस कुरकुरे की जगह पर फलों पर खर्च करें। तो दोस्तों, सभी फल हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर मौसम के हिसाब से देखा जाए, फल वही खाएं जो मौसम का फल है। जो फल आपको बिना मौसम का मिले उसे मत खाएं। यानी कि सर्दियों में अगर संतरे आते हैं, गाजर आती है, तो फल सब्जियां यही खाएं। गर्मियों में जामुन, आम ऐसे फल आते हैं तो उनको खाएं। तो आज हम आपको बताते हैं जामुन के फायदों के बारे में। आज हम आपको जामुन खाने के ऐसे फायदे बताएंगे। आप हैरान होंगे कि एक जामुन हमारे लिए इतना फायदेमंद है, क्योंकि हम तो फलों को हमेशा टेस्ट के लिए खाते हैं। हम वही फल खाते हैं जो हमें टेस्टी लगता है, और जो फल हमें अच्छा नहीं लगता हम नहीं खाते। दोस्तों, कई लोग पपीता नहीं खाते क्योंकि उनको पपीता अच्छा नहीं लगता। बहुत से लोग केला नहीं खाते क्योंकि उनको केला अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, ये चीजें सेहत के लिए अच्छी हैं और इसे आपको खानी चाहिए। और आज हम आपको जामुन के फायदे बताएंगे जिसे आप सुनकर हैरान होंगे। अगर आपके घर में कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसके लिए जामुन अच्छे हैं। और अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और आपको जामुन टेस्ट में अच्छी नहीं लगती तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी सेहत के लिए, डायबिटीज के लिए जामुन अच्छे हैं तो आपको खाने चाहिए। जामुन अगर आप हर रोज गर्मियों में खाते रहेंगे तो आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। डायबिटीज से बचने के लिए जामुन सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, दांतों में कीड़ा है, दांत पीले पड़ चुके हैं, तो सभी दांतों की प्रॉब्लम्स के लिए जामुन अच्छी है। क्योंकि जामुन हमारे दांतों को मजबूत करती है, मसूड़ों को मजबूत करती है और दांतों के दर्द को ठीक करती है। अगर आप मोटे हो रहे हैं तो आपके लिए जामुन बहुत ही अच्छी है। मोटापे को कम करने के लिए हर रोज जामुन खाएं। जितना जामुन आप खाएंगे उतना ही जल्दी पतले होंगे। एक महीना लगातार जामुन खाकर देख लीजिए। पहले आप अपना वेट काउंट कर लेना और उसके एक महीने बाद फिर देखना। आपका वजन आपको आसानी से 5 से 10 किलो कम ही मिलेगा। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो जामुन शरीर में खून की कमी को भी पूरा करती है। एक रिसर्च के अनुसार भारत में 53% लेडीज खून की कमी की शिकार है। जितना शरीर में खून होना चाहिए उतना नहीं है। तो अगर आप जामुन का सेवन कर सकते हैं तो उसका सेवन जरूर कीजिए, ताकि आपके शरीर में खून की कमी पूरी हो। आपको देखने में महसूस नहीं होता, लेकिन अगर आपको चक्कर आते हैं, लो ब्लड प्रेशर है, शरीर में थकान रहती है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया है, तो यकीनन आपके शरीर में खून की कमी है। खून की कमी होना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि खून की कमी होने से आपको 10 से 20 बीमारियां लगती हैं। तो कभी भी शरीर में खून की कमी ना होने दें। तो इसके लिए आप लैब में जाकर हीमोग्लोबिन का टेस्ट जरूर करवाएं। ये हमारे शरीर को प्योर करने का काम भी करती है। अगर आपको पिंपल्स आ रहे हैं, चेहरे पर रिंकल्स आ रहे हैं, तो पिंपल्स और रिंकल्स को सही करने के लिए जामुन खाएं। जामुन खाने से ही आपके पिंपल्स सही हो जाएंगे। क्योंकि हमारे चेहरे पर पिंपल्स आने के कई कारण हो सकते हैं। क्योंकि हमारे चेहरे पर पिंपल्स आने का सबसे मेन रीजन है हमारे खून का गंदा होना। इसलिए आप अपने खून को साफ करने के लिए जामुन खाएं और आपके चेहरे से पिंपल्स गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप जामुन खाने से इतना स्वस्थ रह सकते हैं, तो जब आप हर रोज फल खाएंगे तो आप कितने स्वस्थ रहेंगे। आप ये समझ लीजिए कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो आपको फल जरूर खाने चाहिए और हमेशा स्वस्थ रहें। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।